सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व मंगल हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज मैं आप लोगों को मात्राओं के नगर ले जाऊंगी, जहाँ हम मात्राओं के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इन मात्राओं के बारे में जानें। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या आप जानते हैं बच्चों कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं? चलो बच्चों, अब हम इन स्वरों के बारे में जानें। सबसे पहला स्वर है अ। अगला जो स्वर है वह है आ। इ, उ, रि, ए, ए, ओ, ओ। इसके अतिरिक्त हमें अयोबा स्वर के बारे में भी जानना है, जिसे हम अन्य स्वरों में गिनते हैं, जैसे कि अं और अहं। बच्चों, क्या आप जानते हैं जब हम व्यंजन के साथ स्वर मिला देते हैं तो उनके साथ एक चिन्ह लगता है, इस चिन्ह को ही हम मात्रा कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं कि अ में कोई मात्रा नहीं लगती, इसलिए हम इसे अ ही बोलेंगे, जैसे कि कमल, कमल। अगला जो स्वर है वह है आ। इसमें हमने अ के साथ आ का डंडा लगाया है, और इसमें हमने आ शब्द अक्षर बोलते समय बहुत लंबा खींचा, इसलिए इसे हम बोलेंगे कान, आम, नाम। समझ आया बच्चों? अगला जो स्वर है वह है ई। इसे हम थोड़ा खींच कर बोलते हैं, और इसीलिए इसमें हम छोटी ई लगाते हैं, जैसे कि किला, किला। अगला जो स्वर है वह है ई, और इसमें हम बहुत लंबा खींच रहे हैं, इसे बोलते वक्त हम बहुत लंबा खींच कर बोलते हैं, इसलिए इसमें हम बड़ी ई लगाते हैं, और इसलिए जब हम इसे किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा छतरी, खीर, और भी अन्य शब्द आप बना सकते हैं। अगला जो स्वर है वह है उ, और उ बोलते हुए भी हम इसे कम खींच रहे, और उ बोलते हुए हमारा जो रूप है वो गोलाई में बदल जाता है, ठीक है बच्चों? इसलिए हम इसे बोलेंगे कुत्ता, कुत्ता, या फिर पुल, और अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं। अगला जो स्वर है वो है ऊ। इसे हम बहुत लंबा खींच कर बोल रहे हैं, इसलिए इसमें हम बड़ा ऊ लगाएंगे, जिसे हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो वह एक नया शब्द कहलाया जाएगा, जैसे कि सूरज। समझ आया बच्चों? इसके बाद है री। री लिखते समय हम इसकी मात्रा नीचे लगाते हैं, अक्षर के नीचे ये मात्रा लगाई जाती है, जैसे कि पृथ्वी, कृपाण, और बहुत सारे अन्य शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद है ए। ए लिखते वक्त इसका उच्चारण बहुत कम समय में किया जा रहा है, इसलिए हम इसमें केवल एक ही मात्रा लगाएंगे, और जब हम इसे व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा केला, एक नया शब्द के प्रयोग में आता है, जैसे कि केला, वे, और अन्य शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है ए। ए बोलते वक्त हम इसमें दो ए की मात्रा लगाएंगे, इसे क्योंकि इसमें हम इसे बहुत लंबा खींच कर बोल रहे हैं,
तो इसलिए इसे हम बोलेंगे कैमरा, कैमरा। समझ आ गया बच्चों? अगला जो स्वर है वह है ओ, और ओ बोलते वक्त हम इसमें ओ की मात्रा लगाते हैं। तो जब आप अ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो एक नया शब्द आपके सामने प्रस्तुत होगा, जैसे कि मोर। और इसके अलावा और बहुत सारे आप शब्द बना सकते हैं, जैसे कि कोयल। समझ आया बच्चों? इसके बाद है आऊ। अब आओ बोलते वक्त हमने इसमें आ मात्रा के ऊपर दो आओ की मात्रा लगाई है, जिसे हम जब व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा एक नया शब्द, जैसे कि कौआ या फिर पौधा। इसके अतिरिक्त अयोवा वाले स्वर जो है वह है अंग, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। स्वर में हम अ के ऊपर बिंदु लगाते हैं, और जब हम अ के ऊपर बिंदु लगाए तो वह एक नया स्वर बनता है, जैसे कि कंगन, पतंग, रंग। और आखिर में आता है अह, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। इस स्वर को लिखते समय हम अ के आगे दो बिंदु लगाते हैं, जैसे कि नमः प्रातः। तो बच्चों आशा करती हूं कि आपको मात्राएं बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो चलिए एक अभ्यास कर ले हम। अब यह मैंने एक मात्रा ज्ञान का चार्ट लगाया है और मेरे पास कुछ व्यंजन वर्ण है। अगर मैं कोई भी व्यंजन इसके साथ जोड़ूंगी तो मात्राओं के साथ जोड़कर ये एक नया शब्द बन सकता है, जैसे कि द, गा, दी, दु, दू, रि, दे, दे, दो, दाउ, दा, दव। इसके अलावा अगर मैं अव्यंजन का प्रयोग करूं तो इसका हो जाएगा म, मा, मि, मी, मु, मू, मृ। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप सभी को सारे व्यंजन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये है, कौन बताएगा ये मुझे? यस फातिमा, आप बताइए क्या है ये? यस कूलर है, कूलर, कूलर। और कूलर में हमने कौन सी मात्रा लगाई है बच्चों? कूलर में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? यस शानवी, बड़ू की। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब शानवी बताएगी ये क्या है? रेल, रेल। और रेल में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? एक ही मात्रा। बिल्कुल सही। अगला जो शब्द है अब वो आर्यन बताएंगे। यस आर्यन, अच्छा बताइए आर्यन ये क्या है? कोयल, कोयल। और कोयल में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? ओ, ओ की मात्रा। बिल्कुल सही। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मात्राएं बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।